हेलो एंड वेलकम एवरी वन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज इको सिस्टम तो सबसे पहले देख लेते कि इसमें क्या-क्या चीज़ हमें पढ़ने हैं सबसे पहले एज यूजल इंट्रोडक्शन उसके बाद व्हाट इज़ एन इको सिस्टम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने होंगे इको सिस्टम क्या डेफिनेशन है इकोसिस्टम के क्या फीचर है साइज ऑफ एन इको सिस्टम बायोस्फेयर जो सबसे लार्जेस्ट इको सिस्टम है है ना उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द इको इसके अंदर क्या क्या आएंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स उसके बाद ट्रॉफिक लेवल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या क्या पढ़ने हमें फूड चेन टाइप्स ऑफ फूड चेन ये सारे इसमें कवर होंगे उसके बाद आता है इको सिस्टम फंक्शनिंग उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल्स इसके अंदर क्या क्या आएंगे गैसियस साइकिल्स सेडिमेंट्री साइकिल्स उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन इसमें दो टाइप के होते हैं ये सारे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे उसके बाद इको सिस्टम एंड ह्यूमन इंटरवेंशन ये थोड़ा नीचे चला गया है बट प्लीज़ मैनेज इसमें क्या पढ़ने हैं कि इको सिस्टम और ह्यूमन का क्या इंटरवेंशन है और राइट right, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन पोर्सन में हमें क्या पढ़ने होंगे इंट्रोडक्शन एज यूजल जो चैप्टर वन में हम लोगों ने पढ़े थे अर्थ बासफेयर सन इन्वॉमेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ इको सिस्टम बेसिकली ऑल दिस थिंग जो कि हम लोगों ने यूनिट वन में कवर किए थे वही चीज सेम इंट्रोडक्शन में मैंशन है उसके बाद ये यूनिट किस चीज से डील करता है हम लोगों ने कंटेंट में देख लिया क्या क्या है वो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ इको सिस्टम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इको सिस्टम वाट फैक्टर्स कंट्रोल इट ये सारे एक एक करके क्या होंगे इसमें कवर होंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे वॉट इज एन इको तो जल्दी से देख लेते हैं इको है क्या तो जल्दी से इको के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सबसे पहले जो इको सिस्टम वर्ड है उसे क्वाइंट प्रोफेसर अर्थर टेम्सले ने 1935 में किए थे इसमें जो प्रिफिक्स है इको उसका मतलब इन्वामेंट होता है ठीक है उसके बाद इको का डेफिनेशन क्या है ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, विच आर इंटर डिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड फंक्शनिंग सच ए डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड एन इको क्या मतलब हुआ वही सिंपल डेफिनेशन याद रखना है कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से किस चीज के लिए अपने फंक्शनिंग के लिए तो ये जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो इससे जो सिस्टम फॉर्म होता है उसी को इको सिस्टम कहते हैं और राइट आई होप इतना क्लियर होगा उसके बाद ये देखते हैं कि इको सिस्टम फंक्शन कैसे करते हैं सबसे पहले क्या है सन सन क्या है सोर्स ऑफ इनर्जी ठीक है ये एनर्जी को प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट कंज्यूम करते हैं और इससे क्या करते हैं फूड बनाते हैं और वो फूड कौन लेता है कंज्यूमर उसके बाद ये कंज्यूमर अगर डेड हो गए डिके हो गए तो उसे कौन डिकम्पोज करता है डिकम्पोजर तो ये क्या हो रहे है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है है ना और इंटर कनेक्टेड भी अगर सन नहीं रहा तो इनडायरेक्टली सब खत्म अगर प्रोड्यूसर नहीं रहा तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा है ना हम डायरेक्ट पत्ते तो नहीं खा जाते वी नीड फूड वट प्लांट मेक्स फॉर आस अगर प्लांट डिके नहीं होंगे एनिमल डिके नहीं होंगे डेड नहीं होंगे तो डिकम्पोजर किस पे अपने फूड के लिए डिपेंड होगा है ना तो ये क्या हो रहा है एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड है है ना तो ये क्या हुआ ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ इसी को इकोसिस्टम कहते हैं है ना यही है इकोसिस्टम के काम करने का तरीका ये डायग्राम के वे में बुक में दिए हुए मैंने आसान तरीके से आपको क्लियर कर दिए आई होप इतना क्लियर होगा कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज आप पूछो उसके बाद इको फीचर्स ये क्या चीज है इको फीचर्स बेसिकली दो टाइप के हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स फंक्शनल फीचर्स अब स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या आता है वो हर एलिमेंट्स जो इको बनाता है यानी कि इसके अंदर क्या आएगा बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक यही दोनों से मिलके तो इन्वामेंट बने इकोसिस्टम बने कैसे क्योंकि ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है फिजिकल कंपोनेंट एयर वाटर लाइट टेम्परेचर एंड ऑल और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है ऑल लिविंग कंपोनेंट्स है ना तो ये लिविंग और फिजिकल दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं यही तो इको फॉर्म करता है ना तो ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स और उसके बाद क्या है फंक्शनल फीचर्स फंक्शनल फीचर्स का मतलब क्या हो गया ऑल द प्रोसेस एंड इंटरेक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम यानी कि हर वो प्रोसेस और इंटरेक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है फंक्शन करता है उसी को फंक्शनल फीचर कहते हैं जैसे क्या क्या फंक्शन होते हैं इनर्जी साइकिल्स फूड चेन्स ये सारे क्या हो रहे हैं ये एक ऑर्गेनिज्म ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी को फंक्शनल फीचर कहा जाता है इको का है ना उसके बाद देख लेते हैं डेफिनेशन दोनों का अच्छे से अभी जो मैंने बोले बस वही चीज मैंने लिख दी है स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या है द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम सिस्टम रेफर्स टू ऑल द एलिमेंट्स दैट मेक अप एन इकोसिस्टम सिस्टम इंडिविजुअल्स एंड कॉम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स रिप्रेजेंट इन दिस्टम क्या इसमें कहा गया जो मैंने अभी बताया बस वही चीज लिखा हुआ है क्या रिफर्स कर रहा All elements that make up an ecosystem, जो ecosystem है जो इकोसिस्टम बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स और लिविंग फैक्टर्स तो उसी को क्या कहेंगे स्ट्रक्चरल फीचर्स ठीक है उसके बाद फंक्शनल फीचर को देख लेते हैं इसमें क्या है फंक्शनल एस्पेक्ट रेफर्स टू ऑल द प्रोसेस एंड इंटरक्शन परफॉर्मड बाय द ऑर्गेनिज्म जो एक्शन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं कौन ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में उसी को फंक्शनल फीचर कहते हैं ठीक है बस इतना ही है इसमें और कुछ भी लॉजिक नहीं है बुक में थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया हुआ मैंने आसान तरीके से आपको बता दी जितना चीज बुक में दिया हुआ है वो मैं हर एक चीज क्लियर कर रही हूँ प्लीज ये नोट करना कि मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बुक में जो दिया हुआ है उसे छोड़ रही हूँ नहीं मैं हर एक चीज क्लियर कर रही हूँ इनफैक्ट अगर आपको इसके बावजूद कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्लीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन राइट उसके बाद देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है साइज ऑफ एन इको इसके अंदर क्या क्या आता है देखते हैं इको में वेर इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पडल ऑफ वाटर और ए टेरिस्ट्रियल हैबिटेट टू ए लैंडस्केप और लार्जेस्ट सॉरी लार्ज फॉरेस्ट ए बायोम और इवन द इंटायर ग्लोबल बायोस्फेयर और इकोस्फेयर क्या मतलब है इसका कि ईको क्या हो रहे हैं वेरी कर रहे हैं साइज में ये क्या कर रहे हैं डिफर कर रहे किस में कंपोजिशन में नंबर में कितने स्पेसीज एकको एक सिस्टम में प्रेजेंट है उसमें तो वो यही कहा जा रहा है कि इकोसिस्टम का जो साइज है वो क्या कर रहा है वैरी कर रहा है कहीं पे वो स्मॉल है कहीं पे वो लार्ज है कहीं पे बहुत ही ज्यादा लार्ज है तो वो क्या हो रहा है इकोसिस्टम इसी तरीके से कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉडल ऑफ वाटर और ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंडस्केप लार्जेस्ट लार्ज फॉरेस्ट बायोम और इवन एंटायर ग्लोबल बायोस्फीयर ये सारे क्या इकोसिस्टम हर तरीके से हर जगह पे ये छोटे-छोटे कहीं बड़े ऐसे इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं दो सब जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है उसे इकोस्फेयर कहा जाता है जो कि क्या है एक तरह से आप अर्थ को ही मान लो अर्थ में भी तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो वो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इकोसिस्टम है तो वो इको को क्या कहा जाएगा इकोस्फेयर या बायोस्फेयर मैंने बायोस्फेयर के बारे में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके बताया था कि बायोस्फेर क्या चीज है बायोस्फेयर वो जोन है जहां पे लैंड वाटर एयर इंटरैक्ट कर रहे होते हैं है ना वो है बायोस्फेयर आगे आएगा मैं डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियर करूंगी उसके पहले एक और डायग्राम देख लेते हैं कि क्या है देखो इकोसिस्टम फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल से मिलके क्या बनता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन से क्या बनता है कम्युनिटी और ये कम्युनिटी क्या फॉर्म करता है इको फॉर्म करता है है ना तो ये क्या हो रहा है सर्टन लेवल पर अलग अलग इको फॉर्म कर रहे हैं पहले एक इंडिविजुअल इको सिस्टम फॉर्म कर रहा है इसके आसपास में क्या है एयर है है ना लैंड है इसे मतलब लाइफ सस्टेन करने के लिए हर एक चीज प्रेजेंट है इस इंडिविजुअल को फिर एक पॉपुलेशन बनता है इंडिविजुअल से तो ये पॉपुलेशन में भी हर वो चीज प्रेजेंट है जो लाइफ सस्टेन करने के लिए क्या है जरूरी है फिर कम्युनिटी कम्युनिटी प्रेजेंट है इसके पास भी वो हर एक चीज है तो ये क्या हो रहा है इंडिविजुअल लेवल से लेके कम्युनिटी लेवल तक ये क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं किस चीज में इकोसिस्टम की साइज में राइट तो ये जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट इकोसिस्टम जो होता है वो है बायोस्फेयर राइट इसी को इकोस्फेयर भी कहा जाता है आई होप इतना क्लियर होगा ठीक है तो जल्दी से देखते हैं कि बायोस्फेयर यानी कि लार्जेस्ट इको जो हम लोगों का है वो बायोस्फेयर है इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं तो बायोस्फेयर ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फेयर बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी कहा जाता है इट इज दैट पार्ट ऑफ़ द अर्थ वाटर एंड इन स्मॉलर एग्जिस्ट एंड ऑपरेट ठीक है तो बायोस्फेयर क्या है वैसा स्फेयर वैसा जगह जहां पे अर्थ यानी कि लैंड वाटर एंड एटमोस्फेयर मीट है ना जहां पे ये सारे चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे ये सारे चीज मीट कर रहे हैं वही तो है बायोस्फीयर। अगर इससे क्वेश्चन आता है बायोस्फीयर में तो आप इसे क्या कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं मैं बताती हूं कैसे करना है पहले देख लेते हैं कि बायोस्फीयर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है थ्री मेन डिविजन है बायोस्फेयर के सबसे पहला लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर एक एक करके देखते हैं क्या क्या है लिथोस्फेयर मीनस वट लैंड हाइड्रोस्फेयर वाटर यानी कि लार्ज सरफेस ऑफ वाटर उसी को हाइड्रोस्फेयर कहेंगे और एटमोसफेयर क्या है गैसियस इन्वेलप ऑफ द अर्थ विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 22.5 किलोमीटर यानी कि हम जितने स्पेस में जाते जा रहे हैं वो एटमॉस्फेयर नहीं है ये हार्डली कहां तक है 22.5 किलोमीटर तक ठीक है यही है बायोस्फेयर एक मिनट ये डायग्राम देखने से पहले मैं आपको अच्छे से एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि बायोस्फेयर अगर असाइनमेंट में या कहीं भी पूछा जा रहा है तो आप उसे कैसे डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो सबसे पहले लेंगे सर्कल ठीक है ये थ्री सर्कल इसमें से अस सपोज ये क्या है एयर यानी कि एटमोस्फेयर ये क्या है लैंड यानी कि लीधोस्फेयर और ये क्या है वाटर यानी कि हाइड्रोस्फेयर ठीक है तो ये जो, जो जोन दिख रहे हैं ये दिस वन क्लियर है एक मिनट ये जो, जो जोन दिख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है इस जोन में तो ये जो इंटरेक्शन जोन है लोग वही प्रेफर करेंगे रहना है ना जहां पे लैंड भी प्रेजेंट है यहां पे क्या है लैंड भी प्रेजेंट है एयर भी प्रेजेंट है एंड वाटर भी प्रेजेंट है तो लोग क्या प्रेफर करेंगे जहां मुझे हर सुविधा मिल जाए लोग विलेज से अर्बन एरिया में क्यों माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज वहां बहुत फैसिलिटीज हैं तो उसी फैसिलिटीज तो एक लाइफ सस्टेन करने के लिए बेसिक फैसिलिटीज क्या हो सकते हैं लैंड मिल जाए एयर मिल जाए वाटर मिल जाए हम तो भाई रह लेंगे है ना तो वही है इसी को बायोस्फेयर कहते हैं आप चाहे तो इसे डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर सकते हो वहां पे एयर ना लिख के आप एटमोस्फेयर लिख दोगे लैंड ना लिख के लिदोस्फेयर लिख दोगे वाटर ना लिख के आप हाइड्रोस्फेयर लिख दोगे और ये जो बीच में नैरो जोन बना है उसे बायोसफेयर कह सकते हो है ना हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे कि क्या लिखा हुआ था सेंटेंस डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ लाइफ एग्जिस्ट इन ए नैरो जोन तो अर्थ क्या है बहुत ही वास्ट है पर हर जगह लाइफ पॉसिबल है क्या नहीं है तो लाइफ कहाँ पॉसिबल है जहाँ ये तीनों चीज एग्जिस्ट करते हो वही है बायोसफेयर अब जल्दी से डायग्राम देख लेते हैं इसे मैं मिटा दूँ हाँ हो गया अब ये डायग्राम में क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोस्फेयर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एटमोस्फेयर और यहाँ क्या प्रेजेंट है लिडोस्फेयर अगर आपको यहाँ कैंप लगा के रहने के लिए दे दिया जाए तो आप पक्का यहाँ रहोगे क्योंकि आपको यहाँ हर एक चीज़ है पैसा को अभी भूल जाओ सपोज कि पैसा कमाने ही नहीं है सिर्फ रहने हैं और आपको हर चीज़ मिल रहा है यहाँ फॉरेस्ट है यहाँ पर आपको खाना वाना सारी चीज़ मिल जाएंगे तो पैसे की चिंता नहीं करनी है बस इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या जरूरी है इकोसिस्टम में रहने के लिए क्या जरूरी है बस इतना चीज को माइंड में रखना है अभी कि यहाँ पे हमें पानी भी है एटमॉस्फेयर और यहाँ पे है लिथोस्फेयर तो आपको यहाँ पे तीनों चीज मिल रहे हैं और एक टेंट आप लेके आना तो ये सारे चीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रुकोगे राइट तो बायोस्फेयर के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा कहीं भी कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ प्लीज़ कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख लिख कर मुझे भेज सकते हो और फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कीजिए मैं चाहती हूँ बहुत सारे इग्नू के स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें है ना क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है अच्छे से समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है आई होप आप सपोर्ट करोगे मुझे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मैं कंटिन्यू करूँगी बायोसफेय को ही तब तक के लिए प्लीज़ आप एक बार बुक या पी से पढ़ लेना थैंक यू सो मच फ्रेंड थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू